नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपी अपडेटेड टेस्ट चल रहा है, लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखना और शेयर और लाइक ज़रूर करना। समझ नहीं आता आप लोग इतना वॉच करते हो लेकिन लाइक्स इतना कम क्यों आते हैं, तो अच्छा नहीं है। और प्लीज़ सपोर्ट मी, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। और धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन में चैनल्स दिए गए उनको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि ग्रुप सी का ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप लोग सोच रहे हैं लिलुहा का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लिलुहा आसनसोल का वीडियो उन्हीं चैनल्स पर जा रहा है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी सर, और मैं राजस्थान से विठल कुमार मीणा बोल रहा हूँ। सर, आपका जो आरपीएफ का टेस्ट हो गया, जी सर, आप जो है सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपने भाइयों के साथ। जी सर, बिल्कुल। तो बताइए सर, किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर वहाँ पर। सर हर चीज एक एक चीज क्लियर करना जिससे बंदों को डाउट ना रह जाए। सर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। सर मैं यहाँ से 18 तारीख को शाम को चला गया था राजस्थान घर से। वहां पर जाके मेरा दोस्त था, उसके पास ठहर गया था सर। हाँ वहां से सुबह 5:30 बजे उठकर वहां से दिल्ली सरायवाला की बात बोल रहा हूँ सर। मैं हाँ वहां से 300 से 400 मीटर की दूरी है, वहां से मैं 5:30 बजे उठ के सेंटर पर पहुंचा। फिर उसके बाद में वहां पर जैसे एंट्री हो गई थी सर बंदों के अंदर, हाँ वहां पर गेट के अंदर ही जस्ट रोड पर रोड था, उस पर बिठा रखे थे सभी को। फिर वहां से चार चार को बुला के एक अधिकारी, एक का आधार कार्ड और उसके प्रवेश पत्र जांच कर रहा था। वहां से चार चार को फिर आगे भेज रहा था, वहां से लाइन लगा रहे थे, 20 20 की लाइन लगवा रहे थे। हाँ 20 20 की लाइन लगवाने के बाद में वहां से बायोमेट्रिक के लिए भेजा। हाँ बायोमेट्रिक होने के बाद में फिर बाहर ब्लॉक नंबर 3 के अंदर हुई थी बायोमेट्रिक। हाँ फिर वहां से बाहर ग्राउंड के अंदर 2 अधिकारी और थे, वो और जांच कर रहे थे वहां पर सिग्नेचर विग्नेचर थम इम्प्रेशन रहे। उसके बाद में वहां से ग्राउंड ग्राउंड के अंदर ही हो रहा सर ब्लड टेस्ट। क्या जो सर? ग्राउंड ब्लड टेस्ट है ना, जो ग्राउंड के अंदर ही हो रहा है। हाँ वहां पर ये टेंट वेंट लगा कर रखा है त्रिपाल उपाल सा। हाँ तो वहां पर जैसे हम गए तो मेरा बैच नंबर था 18। तो जैसे बैच में वो एंट्री किया, जैसे मेरा नंबर आया, हर बैच से दो तीन बंदे ले रहे थे मेरे। जब मेरा नंबर आया तो मुझे टास्क दिया कि 1 मिनट में आपको इस आटा लगाना है, 100 ग्राम के लगभग आटा था वो। तो उसको जब टाइम दिया तो मैंने सभी स्टार्ट हो गई, 20 के 20 बंदे। तो उसमें जब पास वो जब आटा पूरा टाइम हुआ तो उन अधिकारियों ने चेक किया, तो मैं तो ऐसे सोच रहा था सर कि अपना तो नहीं होगा, क्योंकि बंदों का आटा ऐसा दिख रहा था ऊपर से तो बिल्कुल सही। फिर उन्होंने हाथ में उठा उठा के देखा सभी का। तो फिर उसके बाद में मेरा नंबर आया जब उसने बहुत देर तक तो हाथ में उनको देखते रहे। तो फिर मेरे बैच में से 3 बंदों को पास किया, उसमें से पहला नंबर पहले ही मेरे को पास किया। फिर ऐसे टोटल करके 443 बंदे थे जिस दिन, वो उसमें से 41 बंदे पास किए। अब सर ये बताइए, कैसे आज बच्चों को आटा गूंदना है जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप क्वालिफाई हो चुके हो, जी सर, क्वालिफाई। तो बताइए कैसे गूंदना है आटा। आटा गूंदने का यही है कि वहां पर जो घर से आटा, अपना घर का आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, हाँ और वहां होता है जो मैदा की तरह मिलता है बिल्कुल बारीक। तो हाँ उसमें क्या, थोड़ा थोड़ा पानी डाले, एक साथ पानी न डाल, उससे क्या है एक साथ पानी डाल देंगे तो गीला हो जाता है और इसी कारण बंदे फैल हो रहे हैं जल्दी। और ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही फायदा है। फिर उसके बाद में
वो पूरी कंप्लीट होने के बाद में 22 बैच हुए थे, इसमें से 40 बंदों को पास किया पहले राउंड में। तब सेकंड राउंड हुआ, उसमें सेकंड राउंड में ऐसे बोला गया कि जो ऑमलेट बनाना चाहते हैं वो एक साइड हो जाओ, और जो रोटी बनाना चाहते हैं वो एक साइड हो जाओ। तो 12 बंदे तो एक साइड हो गए ऑमलेट बनाने वाले, और 28 बंदे या रोटी बनाने वाले एक साइड हो गए। जैसे 10 10 का ग्रुप बांट दिया उन्होंने, 40 का था, 4 बैच हो गए। तो पहला बैच ऑमलेट बनाने वाला था, उनमें 3 बंदों को क्वालिफाई किया तीन बंदों को। हाँ जी सर। फिर सेकंड बैच आया, उसी में वो उसमें रोटी बनाने वाले थे, तो उनमें से उसमें से 3 बंदों को क्वालिफाई किया। थर्ड बैच आया, उसमें से रोटी बनाने वाले थे, तो वो भी तो हाँ उसमें से 1 बंदा क्वालिफाई किया तीसरे बैच में। चौथा हाँ बैच मेरा था, हाँ तो उसमें से रोटी बनाने वाले 7 थे और 3 आमलेट बनाने वाले थे। तो हाँ 7 में से 3 आमलेट बनाने वाले थे, उनमें से 2 को तो उनको क्वालिफाई किया आमलेट बनाने वाले को, और 2 आटा ये रोटी बनाने वाले को क्वालिफाई किया। तो हाँ उनमें से 8 रोटी बनाने, एक तो मैं था एक और था, ऐसे कुल मिला के 443 में से 11 बंदे क्वालिफाई किए सर। टोटल 11। हाँ, जो रोटी बनाने का टाइम था उसमें 5 मिनट में, जैसे पहले स्टार्टिंग में जितना आटा दिया था उतना ही आटे देते हैं, 5 मिनट के अंदर अधिकारी बोल देंगे 5 मिनट के अंदर आपको आटा लगाना है, और 5 मिनट में रोटी को सेकनी है, रोटी फूली हुई होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। 5 मिनट के अंदर ही आटा द्वारा गुनना है। वो जी सर। पहले गुना हुआ आटा नहीं दे रहे हैं वो। हाँ नहीं नहीं सर, आटा देते हैं, उसको लगाना भी है, रोटी बेलनी भी है और सेकनी भी है साथ में। हाँ सर, देखो और रोटी जितने भी जी बच्चे सुन रहे हैं सर आपकी आवाज़ को, बच्चे सुन लेंगे, आपको पता है हजारों बच्चे सुन रहे होंगे, तो मैं सर। बच्चों से ये बोलने वाला हूँ कि सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बहुत कम बच्चों का एक्सपीरियंस आ रहा है। अब रेशियो इतना हो गया है कि पर डे में मुश्किल से जो है 10 से 15 वीडियो ही डाल पाता हूँ। आप लोग सोचते होंगे इस चैनल पर तो एक या दो ही आती हैं। दोस्तों हमारी डिस्क्रिप्शन में चैनल दिए गए हैं, उन चैनलों पर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं। जैसे RPF स्पेशल नाम से वो चैनल दिया गया है, MCG डिफेंस एकेडमी, उन चैनलों पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आती हैं। ओके, तो जी सर। जो स्पेशल क्वालिफाइड होते हैं उन बंदों का डिफेंस जी MCG मैन एकेडमी पर आता है, उसके बाद सभी बंदों का जो है MCG RPF और उन चैनल पर आता है। बिल्कुल सर, बोलिए। उसके बाद सर मतलब जो है आप 11 बंदे सिलेक्ट हुए। मैं तो जी सर। ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा था, सभी बच्चे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, चाहे कंडीशन कोई भी हो। सर MCG एकेडमी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग से मैं क्वालिफाई हुआ हूँ हाँ सर, सर। मेरी ये पोजीशन है कि मेरे पास अभी शम का सेल फोन नहीं है, तो हाँ मैंने मेरे पे अभी भी मेरे पास फोन है, था मैं रात को फोन करता, लेकिन मेरे क्या रूम की चाबी खो गई थी, तो हाँ सर अभी तार लॉक तोड़ के फिर अभी को कॉल किया, रफ में नंबर लिख के गया था आपके, जब यहाँ से गया था मैं जब। मेरा नंबर लिख के गए थे आप। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर आपको हेल्प मिली MCG एकेडमी से? बहुत बहुत हेल्प सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी तरफ से आपकी वजह से मैं क्वालिफाई हुआ सर। बिल्कुल सर, और यही ये है सर कि जो बंदा मेहनत करके जाएगा ना, हाँ बिल्कुल है वो क्वालिफाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है जो परफेक्शन देगा। सर आपके CVT में मार्क्स कितने थे सर? सर। 39 थे जी सर आपके होने के बिल्कुल फाइनली पूरे पूरे चांस हैं, आप बिल्कुल हताश ना हो। सर। अब देखो आगे क्या होता है, वो तो मेरिट आएगी जब मालूम पड़ेगा, लेकिन वहां पर जो अधिकारी थे ऐसे बोल रहे थे कि जहाँ पर जो यहाँ पर क्वालिफाई हो गए ये सोच लेना कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो ऐसे बोल रहे थे हाँ, क्योंकि वो तो लगभग सभी बंदे सेट ही हो जाएंगे, इस बात नहीं है। सर। और कोई भी बंदा ये ना सोचे कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं है सर, जो बंदा मेहनत करे जाए जरूर क्वालिफाई होगा बिल्कुल सर। सर। क्या मैंने देखा था, मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि यार 450 बंदे पहुंचते हैं, उनमें से क्या 10 11 ही क्वालिफाई क्यों होते हैं, तो हाँ
तो वहां पर देखा मैंने फिर रोटी सेकने वाले में किसी की एक रोटी सिकी हुई है तो किसी का एक रोटी सेक के दूसरी तवे पे रखी है 5 मिनट के अंदर। वो क्या पूरा टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं 5 मिनट के अंदर। अब वो तो देखो यदि ईमानदारी से करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। अब सर मैं एक एक चीज बच्चों को क्लियर करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग यदि मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे काम होगा। जी सर, मैंने देखो सर मैंने 11 तारीख का वीडियो डाला था आपने कि एक बंदा बोल रहा था हाँ सर वो उन्होंने बोला था कि जो बंदा मैं और एक महीने पहले से खुद की शाम की रोटी खुद की बना के मैं खाता था। ओके सर, ये तो आपका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बंदों को आप मोटिवेट कीजिए, आप भी कुछ बोलिए जिससे थोड़ा सा क्या है बच्चों को हौसला मिलता है। आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं थोड़ा सा बच्चों को हौसला जाहिर करवाता हूँ जिससे वो लोग थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होते हैं, तो आप भी कुछ कहिए। हाँ वो इतना डिप्रेशन में आ गया था कि वो उसका पैर से हाथ सब हिलने लग गए, कांपने लग गया था वो। हाँ तो उसका अधिकारी बोल रहे थे कि कांप क्यों रहा है, क्यों अभी क्वालिफाई तो हो गया तू। हाँ फिर बाद में ऐसे कि मैं जब सुबह यहाँ से गए मैं सोचा कि आपको होपलेस नहीं होना। हाँ होपलेस नहीं होना पहले बात तो मेरा ही है सर बंदोस। हाँ और घर पर मेहनत करे लगे जाओ, मेहनत और विश्वास रखो, ये नहीं कि फर्जीवाड़ा, बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। बिल्कुल ये भी सही है, जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा ही। और ये टाइम से आटा लगा के देखो, टाइम से रोटी बना कर। सर मैंने जो 40 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो डाली थी उनमें भी तो आटा लगा कर बताया गया है। बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल देखा था मैंने। तो आपने प्रैक्टिस की थी उसी से? हाँ सर 11 तारीख से वो उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहा था मैं डेली। मेरे घर पर 2 किलो आटा लगाता था डेली सुबह शाम, दो किलो। दो दो किलो? हाँ दो किलो, यानी परिवार है तो परिवार का आटा लगाता था डेली। यही मतलब प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सर आपका क्वालिफाई हो गया, बताओ मेहनत रंग लाई आपके लिए। सर बहुत मेहनत रंग लाई और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आपकी वीडियो देखी मैंने और उनकी वजह से क्वालिफाई हुआ। फिर भी सर समझ ये नहीं आता कि बच्चे देखते हजारों हैं लाइक, लेकिन लाइक तो 500 तक भी नहीं पहुंच पाते, पता नहीं क्यों वीडियो पसंद नहीं आती क्या है। सारे बच्चों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ सर जी, मैं एकदम एक्चुअल और परफेक्टली बोल सकता हूँ कि यदि बच्चों को पता नहीं होता ना कि चल क्या रहा है वहाँ पे, हो क्या रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते, क्योंकि फिर उसमें वही बंदा सिलेक्ट हो जाता तो पहले से ही कुक वगैरह होता, सही कि नहीं? उसको तो मतलब कभी भी करवा लो। और जब बंदे सोचते ही हैं कि सर ये तो सब फैकोलॉजी करते हैं यूट्यूब वाले अपने पैसा कमाने के लिए, लेकिन अपन फैकोलॉजी नहीं करते, अपन एकदम जो एक्चुअल चीज होती है वही देते हैं, है ना सर? जी सर बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने भाइयों को थोड़ा मोटिवेट किया जिससे क्या है और भी बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हों, सभी लोग अपना टेस्ट देने के लिए जाएं। कोई भी परेशानी हो तो मेरा नंबर सभी के लिए हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि उन चैनलों पर ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन मैं 15 से 20 वीडियो अपलोड करता हूँ। इस चैनल पर जो है 2 से 3 वीडियो आते हैं, लेकिन उन चैनलों पर टोटल यदि दिन भर की फुल डे की बात करूँ तो 15 से 20 वीडियो मुझे तैयार करनी होती है। और मैं आपको बता दूँ सर कि जो है सब कुछ आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, आप ही लोगों की मदद से किया जा रहा है, सिर्फ मैंने तो एक कम्युनिकेशन अड्डा तैयार किया है जहाँ पर बच्चे अपनी बात रखते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं, सही है? जी सर बिल्कुल। मतलब मैं कोई फैकोलॉजी नहीं करता, मैंने यूट्यूब पर चैनल्स देखे हैं सर जो मेरी खुद की वीडियो सुन करके फिर वो अपनी वीडियो तैयार करते हैं, मतलब किसी से बात बात तो नहीं करवाते, मतलब वो सीखो के ऐसा ऐसा करवाया जा रहा है, ऐसा भी देखा है मैंने। जी सर ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपना एक फोटो भेज सकते हो? सर मेरे पास फोटो भेजने के लिए ना तो स्वयं का सेल फोन है ना व्हाट्सएप है, मेरे पापा जी का फोन। ओके सर कोई बात नहीं सर, लेकिन यदि किसी के माध्यम से भेज सको तो
कोशिश करना, मतलब अभी यदि 2-5 मिनट में हो जाए तो ठीक है सर, देखता हूँ। यदि हो सके तो आप बता दीजिए, हो सकेगा क्या सर? हो सके तो देखता, अभी देख दूसरों का मोबाइल लेके भेजता हूँ सर। हाँ यदि हो जाए तो थोड़ा क्या है, अच्छा लगता है ना कि मतलब फोटो भी क्लियर ही देखेगा, मतलब लोगों को दिखना तो चाहिए कि हाँ इस बंदे का क्वालिफाई हुआ है। बिल्कुल सर, यदि हो सके तो भेज देना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।